देखिए, हम आज की तारीख में दूसरी वेव से गुजर रहे हैं और इसका पीक लगभग आ चुका है और प्लेट्यू हो चुका है। केसेस काफ़ी कम होने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी पूरे हमें अपने गार्ड्स नीचे नहीं करने हैं, पूरा एहतियात बरतनी है, क्योंकि जो विश्व भर में ट्रेंड चल रहा है, तीसरी या चौथी वेव भी देखने को मिलती है। जिन जिन देशों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वहाँ तीसरी वेव भी इस बीमारी की देखने को मिल रही है, चौथी भी देखने को मिल रही है। तो मेरी गुजारिश है कि हम सभी से कि जितनी जल्दी हो सकता है अपना वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लगवाएं, ताकि हम तीसरी वेव को आने से बचा पाएं। जो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की प्रेडिक्शन है, उसके अनुसार दिवाली के आसपास तीसरी वेव आने की उम्मीद है। और जब पहली वेव आई थी तो हमारे 60+ लोगों को ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, क्योंकि वो वल्नरेबल थे। जब दूसरी वेव आई तो उनको इंजेक्शन लग चुके थे, उनको वैक्सीन लगने की वजह से वो सेफ थे। तो 35 से 50 या 55 वाले लोग ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं इस बार। तो इसी तरह जब तीसरी वेव आएगी, तब तक उम्मीद है कि काफ़ी एडल्ट्स को वैक्सीन लग चुकी होगी भारत में, तो उस वक़्त 12 से लेकर 18 के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा असर दिखने की उम्मीद है। इसलिए या तो हम भारत सरकार को चाहिए कि 12 से 18 के बच्चे, क्योंकि अमेरिका में 12 से 18 के भारतीय मूल के बच्चों को वैक्सीन लग रही है और कोई साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा, या तो 12 से 18 के लिए फाइजर और मॉडर्ना मांग लेनी चाहिए, या फिर कोई, क्योंकि वरना यहाँ तो अभी ट्रायल शुरू नहीं हुए हैं, अभी बहुत समय लगेगा। एक सजेशन और है, जितने भी बच्चे मोटापे की ओर हैं या डायबिटिक हैं, अगर वो अपना कंट्रोल कर लेंगे तब तक, अभी तीसरी वेव आने में समय है, यदि हम तब तक चेत गए, अपने आप को कंट्रोल्ड बीमारियों में रखेंगे, तो हो सकता है हम वेव में सीवियरिटी से बच जाएं।